आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एवं उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन का संयुक्त क्षेत्रीय अधिवेशन नगर के हरिवंशपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के परिसर में संपन्न हुआ। अधिवेशन में आजमगढ़ क्षेत्र के आजमगढ़ मऊबलिया जिले के कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा क्षेत्रीय अधिवेशन में महासंघ फेडरेशन के क्षेत्रीय व जनपदीय पदाधिकारियों का निर्वाचन भी संपन्न हुआ। फेडरेशन में उत्तर प्रदेश से आए प्रांतीय पदाधिकारियों ने राज्य कर्मचारियों की संयुक्त मांगों पर चर्चा की। बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामलाल यादव व उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष जेपी पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों पदाधिकारियों ने आह्वान किया कि पेंशन व अन्य मुद्दों पर कर्मचारी एकजुट हों, तभी सरकार उनकी मांगे सुनेगी। राज्य कर्मचारियों को अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने व जो भी कुर्बानी होगी उसे देने के लिए तैयार हैं। क्रांति कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के लाखों कर्मचारियों जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके घटक जो संगठन हैं, उनके जो एसोसिएशन हैं, ये उनका एक समूह है, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ और उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन। तो आज हम लोगों की कार्यकारिणी विस्तार, चूंकि जनपदीय अधिवेशन हम लोगों के होने हैं और क्षेत्रीय अधिवेशन होने हैं, तो उसी के तत्वाधान में आज पहला कार्यक्रम हम लोगों का यहाँ पर क्षेत्र आजमगढ़ का लगा है, जिसमें आजमगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जो जनपद है हमारे आजमगढ़, मऊ और बलिया, इन तीनों जगह के हमारे विभिन्न सरकारी विभाग के जो संगठन हैं उनके जो हमारे कर्मचारी साथी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रदेश में कई लंबित मांगे हम लोगों की लगातार पिछले कई वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी कई मांगे हैं सरकार से, और चूँकि सरकार को बार बार चेताने के लिए ही इन घटक संगठनों का और महासंघ का और फेडरेशन का गठन होता है। हम लोग की मुख्य मांगे मूल रूप से हम लोग काफ़ी समय से लड़ रहे हैं पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के संबंध में। इसके अतिरिक्त इस मांग के साथ साथ कई मांगे ऐसी आ गई हैं जिनकी अब हमें क्या बोलते हैं जरूरत पड़ गई है। हमारे वेतन भत्तों की पुनरीक्षण का कार्यक्रम है, नया वेतन आयोग लाने का एक कार्यक्रम एक होना चाहिए जो सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। पुराना नया वेतन आयोग नहीं आएगा तो हम लोग अभी भी पुराने समय के वेतन भत्तों पे जीवित हैं, हम लोग का परिवार उसी पे चल रहा है, जबकि महंगाई बहुत गुना बढ़ चुकी है। इसके अलावा हम लोगों की जो चतुर्थी की कई भर्तियाँ हैं वो रोक लगा दी गई हैं। मृतक आश्रित की नियुक्ति को और टिपिकल बनाया जा रहा है धीरे धीरे, जिसको की और शिथिलता की हमें ज़रूरत है। हमारे विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हर विभाग में जो समस्याएं हैं उसके लिए हम लोग आज अधिवेशन यहाँ एकत्रित किए, समस्याओं को एकत्रित करेंगे और इस मंच के माध्यम से प्रदेश स्तर से शासन और सरकार दोनों को अपना पक्ष रखेंगे, ताकि जो और हमें उम्मीद है इस शासन से सरकार से कि हमारा जो भी पक्ष वहाँ का हम कर्मचारी समाज का जो रखा जाएगा उसे जल्द से जल्द वो लोग समाप्त करेंगे और हम लोग की जो भी बाधाएं हैं जो भी दुश्वारियां हैं वो दूर। अधिवेशन चल रहा है मंडली क्षेत्रीय जनपदीय, ये हम लोग का गठन होता है, जब सम्मेलन होता है जनपदों का गठन मंडल का गठन कर एक ताकत देते हैं और समस्याओं को सुनते हैं और समस्या को सुनकर अपनी मांगों में शामिल कर सरकार से मांग हम करते हैं। ये तमाम जितनी मांगे हैं जैसे पुरानी पेंशन बहाली हो, भत्ते हो, आज चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति रुकी है उसको बहाल किया जा, आज जो हमारे वार्ड चार से रेगुलर हुए उनकी पेंशन उनका सर्विस जोड़ कर उनको पेंशन दिया, तमाम हमारे कनिष्ठ सहायक को न्यूनतम 2800 रुपये दिए जा, तमाम आदि मुद्दे हैं। आज जो भर्तियां हो रही है, जो भर्ती नहीं हो रही है, जो भर्तियां नहीं है उनको खोली जा, तमाम मुद्दों को लेकर आज हम कर्मचारियों में जन जागरण कर अधिवेशन कर सम्मेलन कर जगा रहे हैं, और जगाने के बाद जो हमारी समस्या जो मिनिस्ट्रियल फेडरेशन हो या चतुर्थ श्रेणी हो, तमाम विभाग हैं समस्याओं को लेकर सरकार से हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।